हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से क्रिया। क्रिया को हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, इसका आज दूसरा पार्ट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो पहले जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे सारे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया को वास्तव में दो भागों में बांटा जाता है और वो हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया आती है। आज हम लोग जानेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया चार भागों में बटी हुई है, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और कृदंत क्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवा रहा है, जैसे बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना आदि। दूसरा है नाम धातु क्रिया। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है, जैसे अपनाना, गरमाना आदि। तीसरी है संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया, दो क्रियाएं इसमें होती हैं। चौथी है कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाता है, तब वह कृदंत क्रिया कहलाती है, जैसे दौड़ना, भागता आदि। कोई भी प्रत्यय जोड़ करके जब हम कोई नई क्रिया बनाते हैं तो वो कृदंत क्रिया होती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कात्या किड्स लर्न विद फन। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।